का मुलाजमीन का सेक्रेटेरिएट चौक में धरना। मोताल रोड, मॉल रोड, कचहरी रोड, सर्कुलर रोड और लॉयर मार्ग पर ट्रैफिक जाम। दाता दरबार के एतराफ में भी ट्रैफिक का दबाव। गाड़ियों की लंबी कतारें, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया इन एक्शन। रावण के इलाके खूदपुरा में 1 अरब 30 करोड़ रुपए की अरासी वागुजार। 552 कैनाल सरकारी अराजी पर माफिया का कब्जा खत्म। जमीन सूबाई हुकूमत के हवाले। नैब में सवालात के लिए बुलाते हैं, चाय पिलाएंगे और सवाल भी करेंगे। प्ली बार्गिन में नैब का कोई शेयर नहीं, तमाम पैसे आवाम को देते हैं। आवाम जांच पड़ताल के बगैर सरमायाकारी करते हैं और फिर पछताते हैं। आवाम अपने पैसों की खुद हिफाजत ना करें तो नैब कहां तक तहफ्फुज करेगा। 70% हाउसिंग स्कीम्स गैर कानूनी है। डीजी नैब शहजाद सलीम का तकरीब से खताब। डबल शाह और पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन में चेक तकसीम। बल्दिया उस्मा लाहौर का मुकम्मल ऑडिट कराने का फैसला। बल्दिया उस्मा के फंड्स कहां और कैसे खर्च हुए, 30 अरब रुपए के फंड्स का ऑडिट होगा। डीजी एडिटर जनरल ने तमाम अफसरान का रिकॉर्ड मांग लिया। मेयर के प्रिंसिपल स्टाफ तमाम 31 ऑफिस के अफसरान की तफसीलात तलब। पंजाब भर में गिरफ्तारियों के मामले पर अहम पेशरफ। 1488 गिरफ्तार अफराद में से 639 अफराद को रिहा कर दिया गया। रिहा किए गए अफराद का तोड़फोड़ से कोई ताल्लुक नहीं, आईटी को रिपोर्ट अरसाल। पंजाब भर में 174 मुकदमा दर्ज, 849 अफराद गिरफ्तार है, रिपोर्ट का मतलब। बैरूने मुल्क से MBBS करने वाले तालिब इल्मों के लिए बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने बैरूने मुल्क डॉक्टर की डिग्री हासिल करने वालों को PMDC का इम्तहान देने की इजाजत दे दी। वजीर आला पंजाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी की मुलाकात। जनूबी पंजाब में क्रिकेट के टैलेंट को फरोग देने के लिए क्रिकेट अकेडमी के क्याम की तजवीज। वजीर आला पंजाब का कहना है कि PSL से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर होगा। सुपर लीग के मैचेस के लिए भी PCB से हर मुमकिन तआवुन किया जाएगा। LDA में आवामी जेरे इल्तवा दरख्वास्तों का मामला। एडिशनल DG LDA राना अब्दुल रशूद शकूर की वन विंडो सेल पर खुली कचहरी। आवामी शिकायत पर फौरी अमल दरामद के अहकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी की सरकारी और निजी स्कूल्स की चेकिंग। 671 स्कूल कैंटीन्स का मुआयना। 16 सील, 17 को भारी जुर्माने। लाहौर ग्रामर स्कूल की कैंटीन सील। DPS की 4 कैंटीन्स को जुर्माने। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जरिए तमाम डैम फंड रेजिंग से मुतालिक तकरीब। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब का कहना है कि तालीम दहशतगर्दी बेरोजगारी को मिटाने का बेहतरीन जरिया है। मिलिट्री पुलिस स्कूल DI खान के 74 रुकनी वफ्त का सेफ सिटी अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा। वफ्त को इदारे की कारकर्दगी और मॉनिटरिंग से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई।